हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राकेश और आज लेके आया हूं बहुत ही बड़ी खबर, जिसमें आपने असम राइफल भर्ती 2023 ट्रेडमैन टेक्निकल के फॉर्म भरे हैं तो उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। बहुत ही बड़ी जानकारी, समथिंग 10 मई से स्टार्ट है, समथिंग रैली 20 मई तक चलेगी। वो जो एडमिट कार्ड में डेट आ रही है वो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं जहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, मेन साइट पर चलते हैं। आज साइट में एरर चल रहा है, आप जल्दी शाम तक चले तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, क्योंकि आपका एग्जाम डेट कब है वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ही पता लगेगा। हेलो दोस्तों, मैंने सुबह से कोशिश करने के बाद अभी असम राइफल की साइट खुली चुकी है, तो आप या नॉर्मली गूगल में टाइप करें ASSM असम राइफल एडमिट कार्ड, और उसके बाद में नॉर्मली ये जो साइट दे रखी है असम राइफल ट्रेडमैन एडमिट कार्ड 2023, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा या फर्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर ही देख लो डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा है, इस पर क्लिक करें, और फर्स्ट में डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा है इस पर क्लिक करके हेयर करें, और हम सीधे सीधे इनकी जो मेन ऑफिशियल साइट है उस पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डिटेल ऐड करनी है, जो हमने ईमेल आईडी दी थी वो और हमारी डेट ऑफ बर्थ दोनों डाली है, और एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में मैं आगे का प्रोसेस, इसके नोटिफिकेशन और एक नोटिफाई जो जारी किया अभी, कब रैली क्या करना है वो, उस पर चलते हैं। ये देख लो दोस्तों, इन्होंने रैली के संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो देखते हैं, हम रीड करते हैं। और जिन कैंडिडेट का यदि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है या कहीं निकलने में परेशानी आ रही है, तो वो मेरे को अपनी ईमेल आईडी और जन्म डेट व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मेन में पे मैसेज करके भेजे, और मैं उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनको वापस प्रिंट भेज दूंगा। डाउनलोड अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर ले, जो स्किल टेस्ट और दौड़ के दोनों के शामिल हैं। ये इनके अलग अलग जहाँ जहाँ कहाँ होगा आपका, वो सेंटर्स दे रखे हैं। एक नागालैंड में है ARTC सुकोई, मिनिस्ट्रियल क्लर्क एंड पर्सनल असिस्टेंट और ट्रेडमैन कुक के लिए यहाँ सेंटर है। असम 39 AR मिशमपुर, इसमें ट्रेडमैन, वाशरमैन, बारबेर, मेल सफाई ऑपरेटर, रेडियो लाइन, इन सभी के एडमिट कार्ड आपके सेंटर वहाँ होगा। और एक मेघालय में है, जो HQ डगर लेकोर शिलोंग, जिसमें रेजिडेंट टीचर उनका वहाँ होगा, जो वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट एक्सरा और इन सभी के वो ड्राफ्टमैन, इन सभी के फिजिकल और टेस्ट या मेघालय में होगा। आपने सभी ने यदि डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड अभी तक, तो उनमें जो डॉक्यूमेंट लेके क्या जाना वो दे रखा है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें 10th पास आपने भरा है तो 10th पास ले जाना है, और 12th पास भराना है तो 12th पास और 10th पास दोनों की मार्कशीट ले जाना है। डोमिसियल सर्टिफिकेट, परमानेंट जहाँ आप हो, जहाँ के निवासी हो वहाँ का एक मूल निवासी प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपने SC ST OBC EW से भरा तो कास्ट सर्टिफिकेट। लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाई पुलिस ऑथरी, पुलिस चरित्र मांगा गया है। 10 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के 10 कॉपी मांगे गए हैं। फोटो ID प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड हो चलेगा, पैन कार्ड हो चलेगा, लाइसेंस हो चलेगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ जनरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन PHT PAT, इनकी जो एप्लीकेशन आपने जब फार्म भरा था उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का ओरिजिनल कॉपी आपको हर साथ में ले जाना है। टाइपिंग शॉर्ट हैंड, ITI डिप्लोमा डिग्री आपके पास है, आपने उससे अप्लाई किया तो वो लेके जाना है। टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैली ओनली, यदि किसी बंदे ने पहले सर्विस कर रखी है तो उनके पास डिस्चार्ज बुक होगी वो लेके जाना है। कहीं जॉब कर रहा है तो NOC लेके जानी है कि मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ। कोई भी तरह की समस्या हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ मैसेज करें, डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।